हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो आज सोलह जून के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं बेटी बहुत ही तगड़े तरीके से सबसे पहले आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश अभी भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वर्षावन पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं छोटी छोटी ऐसी बहुत सी नदियां हैं कि जहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा दुर्गम होता है बहुत ज्यादा मतलब घने वन है वहां पर ऊंचाई वाला इलाका है पहाड़ी इलाका है तो पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वहाँ कौन कौन सी प्रजातियां फिश की मेंढक आदि की ऐसी कई सारी प्रजातियां होती है जो बार बार कई दिन आप देखते हो कि एक नई प्रजाति की खोज हो गई एक नई प्रजाति की खोज हो गई क्योंकि अभी वहाँ के बहुत से ऐसे इलाके जहाँ तक पहुंच संभव नहीं हो पाई है वहाँ तक लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ज्यादा खोजबीन हो रही है और नई प्रजातियाँ पाई जा रही हैं तो वहीं से क्वेश्चन आया है कि अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में नई मछली की प्रजाति की खोज की गई है आपका कहा गया कहा गया कि उसका नाम क्या रखा गया है जो नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है उसका नाम क्या रखा गया है तो उसका नाम रखा गया है इसकी स्कीजो थोरेक्स सिकूसी रोमेनिसक्स सिकूसी रोमेनिस रोमेनि इसका नाम याद रखिएगा इसकी जो थोरेक्स थोरेक्स याद कर लीजिएगा इसकी जो स्कीजोथोरैक्स और एक आप यहीं से याद कर सकते हैं सिकुसी रोमेनसिस सिकोसी ये आपको दिख रही है गोल्डन कलर की फिश इसको जवाहर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट असम यह जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है पासी घाट का वहां के जूलॉजी विभाग के प्रमुख है डॉक्टर केशव कुमार झा जवाहरलाल कॉलेज पासीघाट के जूलॉजी विभाग के प्रमुख हैं डॉक्टर केशव कुमार झा उन्होंने इसकी खोज की है और इसकी जो है उसका नाम है सीजो थोरेक्स जबकि प्रजाति नई प्रजाति तो जाहिर सी बात है नाम उसका अलग कर दिया जाता है नाम क्या रखा गया है सीजो थोरेक्स सीजोथोरैक्स ओके भैया इसका नाम उस नदी के नाम पर पड़ा है जिस नदी में ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश की जिन नदियों में यह भी पाई गई है उसके नाम पर तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पूर्वी सियांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है इष्ट सियांग वहां पर दो नदी बहती है और सीरो क्या नाम है सीकू और सीरूम? तो सीकू सीरुमेंसिस इन्हीं दो नदियों के नाम पर अभी हमने देखा ना इसका नाम क्या है सीको सीरो सीरुमेंसिस सीरु तो इन दो नदियों के नाम पर ही इस मछली का नाम पड़ा गया है यह बहुत ही ऐसे इलाके कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश आदि होती है पहुंचना उतना संभव नहीं हो पाया है जबकि इसकी जींस कौन सी है सीजोथेरेक्स जींस कौन सी है सीजोथेरेक्स इसी प्रकार जिस प्रकार ये मछली अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है और भी कई मछलियां भारत के दूसरे हिस्सों में खोजी गई हैं जैसे वेस्टर्न घाट तो तमिलनाडु में यह मछली खोजी गई थी जिसका नाम है पुंटिया सेंटस क्या नाम है पुंटिया सेंटस ये भी फ्रेश वाटर है कैसी है मीठे पानी में एक तो होता है नमकीन पानी की मछली जो समुद्र के पानी में पाई जाती है एक होती है मीठे पानी की तो पुंटियन सेंटस ये मीठे पानी की मछली है किसे मीठे पानी की चलिए बच्चा आगे आ जाता है इसी प्रकार जो देवली डैम है उड़ीसा में उड़ीसा का देवली डैम है वहां पर एक कछुए की बिल्कुल दुर्लभ प्रजाति पाई गई थी जिसको ट्रायोनिडिय कछुआ कहते हैं क्या कहते हैं ट्रायोनिडिय कछुआ कहते हाल ही में यह भी चर्चा में मुलायम खोल के कछुए रहते तीस किलोग्राम से ज्यादा का वजन होता है तीस किलोग्राम से ट्रायोनो किड़े कछुए चलिए इसी प्रकार कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि गुजरात का वंशदा गुजरात का वंशदा नेशनल पार्क है सहयद्री जो पश्चिमी घाट जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं तो वेस्टर्न घाट का गुजरात महाराष्ट्र जो उत्तरी हिस्सा होता है उसे हम सहेद्री नाम से पुकारते हैं तो वहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है वंशदा नेशनल पार्क वहां पर 50 साल में पहली बार ढोल नाम का जो ये जंगली कुत्ता होता है इसे वाइल्ड डॉग को देखा गया ढोल नाम के जानवर को देखा गया चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी हो जाती है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाते ईटानगर बी डी मिश्रा यहां के राज्यपाल है पेमा खांडू बीजेपी से यहां के सीएम है साठ विधानसभा की सीट होती है एक राज्यसभा और दो लोकसभा साठ होती है विधानसभा की सीट एक राज्यसभा दो लोकसभा अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर मिथुन बोस फ्रंटेलिस ये यहां का जानवर होता है हॉर्नबिल यहां की पक्षी होती है होलोंग नाम का इनका पेड़ होता है और फॉक्सटेल आर्किड जिसको राइनो कोस्टेलिस रेटोसा कहते हैं फॉक्सटेल आर्किड भी कहते हैं ये इनका फेमस मतलब राजकीय फूल होता है कुछ फेमस उत्सव है जैसे सियांग रिवर लोसार उत्सव लोकू उत्सव सांके उत्सव लोसार लोकू सांके पंगसो पास विंटर उत्सव जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक लोसार लोकू सांके सियांग रिवर उत्सव सियांग रिवर उत्सव जबकि यहां के कुछ डांस फॉर्म में ये तो पिछले साल एसएससी में भी आया था जब मैंने जीके की क्लास कराई थी पॉपीर आदि तो याद रखिएगा अजी लामू चलो हीरोई खनिंग पॉपीर पोनंग पॉपीर पोनंग की रेखाम पाड़ा मयूर नृत्य रोपी ये कुछ यहाँ के फेमस नृत्य होते हैं अजिलू चलो हीरोई खनिंग पोपीर डांस पोनंग डांस पासी कोंग की रेखाम पाड़ा रप्पी मयूर नृत्य जब इसको बार बार करते हो तो ऐसा नहीं है आराम से याद हो जाते हैं याद रखिएगा दो नेशनल पार्क है एक मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क है और एक नाम नेशनल पार्क है एक मॉलिंग नेशनल पार्क और एक नामदफा नेशनल पार्क है एक मॉलिंग नेशनल पार्क और एक यहां पर नामदफा नेशनल पार्क है आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारी चाइना से जो सीमा है जिसे हम मेकमोहन लाइन कहते हैं क्या कहते हैं मैकमोहन लाइन ये अरुणाचल प्रदेश की और तिब्बत के बीच की जो सीमा है इसी को मैकमोहन सीमा के नाम से जाना जाता है इसी को मैकमोहन सीमा के नाम से जाना जाता है मैकमोहन सीमा के नाम से जाना जाता है कुछ मेजर रिवर है जैसे तोड़ाव ये ब्रह्मपुत्र आती है दिबांग रिवर आती है यह इष्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है यह क्या है इष्ट सियांग एक और फेमस है सुबन सीरी चलिए आगे आ जाते हैं हाल ही में त्रिपुरा में पहली बार त्रिपुरा में पहली बार दुर्लभ किस्म का एक जानवर होता है जिसको हॉग बैजर कहा जाता है दुर्लभ किस्म का एक जानवर होता है जिसे हॉग बैजर कहा जाता है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉग बैजर को कहां पर देखा गया है तो इसे बच्चा त्रिपुरा में ये पहली बार पाया गया है और त्रिपुरा का एक विजय विलेज है ढलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा के ढलाई जिले का एक गांव है अगरतला से लगभग 90 किलोमीटर दूर यहां पर पहली बार यह हॉग बेजर्स देखे गए इसका वैज्ञानिक नाम होता है आर्कटोनिक्स कॉलरिस आर्कटोनिक्स कॉलरिस इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आर्कटोनिक्स कॉलरिस बिल्कुल एकदम नियर थ्रेटन अर्थात खतरे के निशान के पास है क्योंकि इनकी जनसंख्या में कमी होती जा रही है ना तो ये इंडेंजर्ड है ना क्रिटिकल इंडेंजर्ड एक नियर थ्रेटन होते हैं वो इनका संरक्षण स्थिति है अर्थात उनकी जनसंख्या भी उतनी भी कम नहीं है कि इन पर खतरा हो लेकिन हाँ खतरे के निशान के बिल्कुल पास है क्योंकि जनसंख्या घटती जा रही है लगभग सिक्सटी सेंटीमीटर उनहत्तर सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं और सर्वभक्षी ओमनी बोरस होते हैं घास भी खा लेते हैं मांस भी खा लेते हैं तो ये हॉग बेजर्स, जिनका वैज्ञानिक नाम है आर्किटोनिक्स कोलेरिस पहली बार ये त्रिपुरा में देखे गए राजधानी अगरतला त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाती है अगरतला विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के सीएम जबकि रमेश बैस रमेश बैस ये त्रिपुरा के हो जाते हैं राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन ये उप मुख्यमंत्री जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट एक राज्यसभा दो लोकसभाएं इसी प्रकार त्रिपुरा में भी एक राज्यसभा दो लोकसभा सीटें और 60 विधानसभा की सीट है स्टेट सिंबल की बात करेंगे तो फायरे लंगूर फायरे लंगूर ये इनका राजकीय पशु होता है जैसा अरुणाचल प्रदेश का फ्रंटेलिस है केरल कर्नाटक और झारखंड का हाथी होता है इसी प्रकार त्रिपुरा का फायरेज लंगूर होता है स्टेट बर्ड इनका ग्रीन इंपीरियल पीजियन जिसको डुकुला एनिया बोलते हैं कबूतर इनका राजकीय पक्षी है राजकीय फूल की बात करें तो नागेश्वर मैसुआ फेरिया कहते हैं इसको नागेश्वर इनका राजकीय फूल है इस प्रकार का फायरे लंगूर कबूतर और इधर ये फूल इनका क्या है राजकीय पुष्प स्टेट फ्रूट की बात करें तो क्वीन पाइनएप्पल याद रखिएगा इनका राजकीय फल कौन सा है न पाइनएप्पल और अगर के जो पेड़ होते हैं ये इनके राजकीय वृक्ष होते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एक्वा लारिया मालके मालके यहाँ के कुछ डांस होते हैं जैसे गोरिया डांस त्रिपुरा का तो त्रिपुरारी शिवजी को त्रिपुरारी कहते हैं गौरा पार्वती उनकी पत्नी को गौरा कहते हैं तो वहीं याद कर सकते हो हुक कामानी नृत्य हुक कामानी नृत्य लेबांग बुमानी नृत्य हुक कामानी लेबांग बुमानी हुजगिरी नृत्य ऊआ नृत्य और बीजू नृत्य ऊआ नृत्य बीजू नृत्य गोरिया नृत्य हुक कामानी नृत्य लेबांग बुमानी नृत्य ये सारे त्रिपुरा के मेजर डांस से निरत्य है जबकि यहां के उत्सवों की बात करोगे तो गरिया पूजा तिलक महोत्सव खाची महोत्सव नीर महल ये एक झील के बीच में नीर महल नाम का एक महल है नीर महल नाम का क्या है एक महल है 21 जनवरी उन्नीस को त्रिपुरा को राजकीय या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी उन्नीस चलिए विप्लव कुमार देव सीएम और रमेश बैस ये क्या हो जाते हैं राज्यपाल यह आप देख रहे हो यह उत्तरी त्रिपुरा जिला है ये आपका ऊना कोटी जिला है ये धलाई जिला जिसकी हम बात कर रहे थे जहां पर यह हॉग बैजर पाए गए हैं इधर ये खोवई वेस्ट त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा में इधर अगरतला आ जाता है सिपाही जाला, गोमती तो ये क्या है ये सारे के सारे त्रिपुरा के जिले एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है इधर भी देखोगे तो बांग्लादेश ऊपर इधर भी देखोगे तो भी बांग्लादेश और नीचे की तरफ देखोगे तो भी बांग्लादेश एक तरफ इसके मिजोरम हो जाता है एक तरफ कौन सा हो जाता है हमारा राज्य मिजोरम और एक तरफ हो जाता है बच्चा असम एक तरफ मिजोरम एक तरफ असम और बाकी ये आपका बांग्लादेश चलिए तीसरा क्वेश्चन आ जाता है उस मंत्री का नाम बताइए जिसने वायरस आदि को मारने की एक मशीन जर्मी बैन लॉन्च की है जैसे कल आपको याद होगा एक डीआरडीओ ने दिल्ली पुलिस के लिए मशीन बनाई थी जो उसकी वर्दी हेलमेट आदि से कीटाणुओं को मारेगी जर्मी क्लीन नाम की इसी प्रकार कह रखा है इनमें से किसने जर्मी बैन नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया है जो वायरस और कीटाणु आदि को मारता है बड़े लेवल पर तो याद रखिएगा जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी साहब इन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है जर्मी बैन जर्म पर बैन लगा देने वाला जर्मी बैन गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी साहब तो याद रखिएगा जैसे कल जर्मी क्लीन को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था इसी प्रकार जर्मी बेन को हैदराबाद की नियो इन्वेंट्रोनिक्स कंपनी है नियो इन्वेंट्रोनिक्स कंपनी है तो नियो इन्वेंट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा जर्मी बेन को बनाया गया है इसे जीएस चक्रवर्ती और जीएस श्रीशा नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया है जी एस चक्रवर्ती और जी एस श्रीशा ये बड़े क्षेत्रों में वायरस और कीटाणु आदि को मारकर उस जगह को सैनिटाइज करता है क्या करता है सैनिटाइज ये एक एयर प्यूरीफायर की तरह भी काम करता है जो कोविड नाइनटीन आदि जैसे वायरस के फैलाव को रोकता है उसके प्रसार को रोकता है जर्मी बैन नियो इन्वेंट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है जिसने इसे बनाया है, हैदराबाद की और जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है गृह राज्य मंत्री हैं याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री अगर आप देखोगे तो अमित शाह जी हैं और हर एक केंद्रीय मंत्री के साथ कुछ राज्य मंत्री होते हैं तो जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ये दो गृह राज्य मंत्री हैं हमारी होम मिनिस्ट्री में अभी आपको याद होगा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, कल भी हमने जो थी जो जीएसटी आदि को कलेक्ट करता है जो बाहर से विदेश से कोई सामान आता है तो उस पर सीमा शुल्क कस्टम आदि जो कलेक्ट करता है इकट्ठा करता है तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सी ने 500 सो और कस्टम कार्यालयों में ई ऑफिस शुरू किया है क्या शुरू किया है ई ऑफिस शुरू किया है और वही आपसे पूछा है कि सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है अर्थात यह शायद हमने कल भी क्वेश्चन किया है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो भी कस्टम है मतलब जितना भी सीमा शुल्क यदि किसी कंपनी ने कोई माल मंगाया जैसे लैपटॉप मंगाए विदेश से तो उनके ऊपर जो भी कस्टम लगना है या कोई और सामान मंगाया तो वो कस्टम ड्यूटी इसी प्रकार जो सेंट्रल जीएसटी होता है जिसको सीजीएसटी कहते हैं इन सब को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ई e ऑफिस अर्थात डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है कि जिसमें डिजिटली ये लोग उसको कलेक्ट कर पाएंगे डिजिटली अपने उस टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे एम अजीत कुमार सीबीआईसी के चेयरमैन है ये एक्चुअल में आप ऐसा कह सकते हो कि ये ई फाइल हैंडलिंग सॉफ्टवेयर है आंतरिक फाइल हैंडल करने के लिए पहले क्या होता था कि एक फाइल को दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था फिजिकली दिल्ली ऑफिस है मुंबई ऑफिस है समय लगता था अब एनआईसी ने इसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है अब ई फाइल इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और याद रखिएगा नेशनल ई गवर्नेंस जो ई e गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को सरकार बढ़ावा देना चाहती है उसी के तहत यह प्रोजेक्ट एनआईसी ने पूरा किया है इससे क्या होगा कि अब प्रशासन करने में और ज्यादा बेहतर मदद मिलेगी साथ साथ समय भी बचेगा साथ साथ समय भी बचेगा समझ रहे मेरी बात एनआईसी की बात करें तो उन्नीस में एनआईसी की स्थापना हुई आप सब जानते हैं क्वेश्चन कई बार आ चुके डायरेक्टर जनरल नीता वर्मा नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एनआईसी कार्य करती है भारत की भारत सरकार को कंप्यूटर की सुविधाएं प्रोवाइड कराना कंप्यूटिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कराना यह सब एनआईसी का काम होता है राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन नहीं इनफॉर्मेटिक्स इस चीज को याद कीजिएगा एनआईसी के फुल फॉर्म सीबीआईसी की बात करें तो एक जनवरी उन्नीस से नई दिल्ली एम अजीत कुमार चेयरपर्सन है सीबीआईसी के चेयरपर्सन एम अजीत कुमार एक जनवरी उन्नीस से है सीबीआईसी चलिए पांचवा प्रश्न आ जाता है पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर बारह देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की एक पहल वेरीफाइड को ज्वाइन किया है या ऐसे कह सकते हैं कि जो कोविड नाइन्टीन पर गलत सूचनाएं होती हैं या कोविड नाइन्टीन पर जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन होती है गलत जानकारी उसको काउंटर करने के लिए बारह देशों के एक ग्रुप का साथ दिया है या बारह देशों के समूह में शामिल हुआ है ये वेरीफाइड नाम की एक यूनाइटेड नेशंस की पहल है तो बारह देश इसको समर्थन दे रहे हैं उसमें से भारत भी एक है भारत भी एक है तो ये वो देश है जो कोविड नाइन्टीन के बारे में जो गलत सूचनाएं हैं उनके खिलाफ अपनी डिजिटल या सोशल मीडिया आदि पर सही खबर प्रोवाइड कराते हैं इसकी तीन थीमों पर यह काम करती है ये जो वेरीफाइड नाम की पहल है इसके तीन इसकी तीन थीम होती है एक तो विज्ञान जीवन बचाने के लिए साइंस टू सेव लाइव एक सॉलिडेरिटी एक जुटता एक क्या है कि टू प्रमोट लोकल एंड ग्लोबल कॉपरेशन अब जैसे बारह देशों का संगठन है तो बारह देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करते वैश्विक सहयोग और तीसरे नंबर पर समाधान कि जो भी इंपैक्टेड पॉपुलेशन है कोविड 19 से चाहे बीमार हुई है या कोविड नाइन्टीन की वजह से जिसका रोजगार गया है तो उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने का भी इसका एक उद्देश्य है तो आप इसे ट्रिपल एस कह सकते हो साइंस सोलिडरिटी और समाधान सॉल्यूशन, विज्ञान एकजुटता और समाधान इन तीन थीमों पर ये यूनाइटेड नेशंस की वेरीफाइड कैंपेन है जिसका भारत भी एक हिस्सा है इसमें ऑस्ट्रेलिया चिली जॉर्जिया इंडिया इंडोनेशिया लातविया लेबनान मॉरिशस मेक्सिको, नॉर्वे सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ये बारह देश हैं जिनमें बड़े देश देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्रांस इंडोनेशिया दक्षिण अफ्रीका बाकी तो छोटे छोटे हैं हालांकि जो 132 मेंबर कंट्री हैं और उन्होंने एक बयान जारी करके इसका समर्थन किया है जबकि ये बारह देश हैं जिन्होंने फॉर्मली उसको ज्वाइन किया है इसमें क्या होता है बच्चा कि कुछ लोग फर्जी समाचार आदि फैलाकर हिंसा बढ़ाते हैं और इससे क्या है इस चीज को रोकने के लिए ही यह वेरीफाइड कैंपेन यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया चलिए यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 का चार्टर लागू होता है अर्थात यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र दुनिया में अस्तित्व में आता है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यूयॉर्क और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस ये बच्चा इसके सेक्रेटरी जनरल है जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है अमेरिका की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है याद रखिएगा बच्चा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है बिल्कुल और अभी आपको याद होगा कि हाल ही में कोविड नाइनटीन से भी यह बहुत ज्यादा प्रभावित है कोविड नाइनटीन से न्यूयॉर्क शहर भी बहुत ज्यादा प्रभावित है समझ रहे हैं मेरी बात चलिए बच्चों इसकी भाषाएं होती है किसकी संयुक्त राज्य जो संयुक्त राष्ट्र होता है यूनाइटेड नेशंस इसकी छह ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो ये मैं आपको इस तरीके से कार चाइनीज अरेबिक रशिया कार फेक कार अरेबिक चीनी अंग्रेज फ्रेंच रूस, कार सेफ इसके ट्रिक बताया था ना कार सेफ तो सी से चाइनीज ए से अरेबिक आर से रसिया एस से स्पेनिश ई से इंग्लिश एफ से फ्रांस ये कार सेफ नाम की इसके एक ट्रिक है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं होती है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं होती न्यूयॉर्क में एक फेमस जगह है जिसे टाइम्स स्क्वायर कहते हैं अक्सर जो शहर ज्यादा चर्चा में रहते हैं उनकी फेमस टूरिस्ट स्थल जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा आते हैं तो टाइम्स स्क्वायर यह फेमस जगह है आगे आ जाते हाल ही में एक ऑपरेशन रेड रोज एक राज्य में ऑपरेशन रेड रोज चल रहा है आपको बताना है कि रेड रोज के बारे में कौन से कथन सही है पहला है कि ऑपरेशन रेड रोज लाल गुलाब पंजाब के लुधियाना में शुरू किया गया है कहां पर शुरू किया गया है बच्चा पंजाब के लुधियाना में शुरू किया गया है उद्देश्य क्या है कि अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर सिकंजा कसना जो पंजाब का लुधियाना शहर है यहाँ पर देसी और अंग्रेजी अवैध शराब का बहुत ज़्यादा अवैध शराब का बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कारोबार है अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार है तो उसको उस पर सिकंजा कसने के लिए उसे खत्म करने के लिए लुधियाना प्रशासन ने शुरू किया है पूरे लुधियाना में छापे मारे कई लाख लीटर जो देशी शराब होती है या अवैध शराब होती है इलीगल लिकवर उसको पकड़ के उसको नष्ट किया है तो ऑपरेशन रेड रोज के बारे में ये दोनों ही बातें सही हैं पंजाब के लुधियाना शहर में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए और जो शराब मिलती है उसे नदी किनारे बहा दिया जाता है ऑपरेशन रेड रोज इसको लगभग 20 दिन पहले लुधियाना पुलिस ने लॉन्च किया था अवैध शराब की तस्करी को बूट लेगिंग को और अवैध शराब के सभी प्रकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना इसका उद्देश्य था इसमें क्या है कि पुलिस ने इकतीस सदस्यीय एंटी स्मगलिंग सेल बनाई तस्करी विरोधी और गुप्तचर जो होते पुलिस के मुखबिर उनकी सूचनाओं पर पूरे लुधियाना में छापे मारे बहुत सारे लोगों को पकड़ा साथ साथ इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट को भी आबकारी विभाग को भी शामिल किया गया था लगभग दो लाख लीटर से ज्यादा जो देशी शराब होती है जिसको लहन कहा जाता है इसको जब्त किया है और नष्ट किया है ज्यादातर जो लिक्वर स्मगलरें शराब तस्कर या तो पकड़े गए या उन्होंने अपने धंधे को दूसरे जिलों में स्थानांतरित कर दिया है। याद रखिएगा पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है बाईस जिले होते हैं पंजाब में राजधानी चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस वीपी सिंह बदनोरे यहां के राज्यपाल 117 विधानसभा की सीट रह लोकसभा और सात राज्यसभा, सभा तेरह लोकसभा और सात राज्यसभा चलिए बच्चा आगे आ जाते हाल ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने मुर्गी पालन नीति 2020 की शुरुआत की है किसकी शुरुआत की है मुर्गी पालन नीति 2020 की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मुर्गी पालन नीति पोल्ट्री पॉलिसी 2020 का अनावरण किया गया या शुभारंभ किया गया है इसका उद्देश्य क्या है कि प्रतिवर्ष जो मुर्गी पालन करने वाले हैं पोल्ट्री करने वाले हैं उनको 50 करोड़ की सब्सिडी ओवरऑल मिला के पचास करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की गई पोल्ट्री इकाई ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर में स्थापित हो सके उनको बढ़ावा देने का उद्देश्य इस नीति का है और साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना भी जम्मू कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य रहा है चलिए बच्चा लगभग 900 करोड़ रुपए यदि वहां पर पोल्ट्री की खेती अच्छी खासी होने लगती है पोल्ट्री मुर्गी पालन तो लगभग 900 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष मुर्गी पालन से संबंधित अंडे या जो मांस होता है मुर्गी वाला चिकन वो जो इंपोर्ट होता है उस इंपोर्ट को जम्मू कश्मीर रोक पाएगा इसमें क्या है याद रखिएगा दो तरीके से है जैसे कमर्शियल फार्म की बात करें वाणिज्यिक फार्म यदि कोई इस उद्देश्य से, से कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग करता है तो याद रखिएगा जिनके पास दस हजार बर्ड्स पर यूनिट जैसे एक यूनिट है आपने एक पोल्ट्री फार्म लगाया क्या लगाया पोल्ट्री फार्म और आपके पास दस हजार से ज्यादा ब्रॉयलर है ब्रॉयलर मतलब जो आपके पक्षी हैं मुर्गी है तो उन्हें तीस परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी ऐसा समझ लीजिए जैसे उन्होंने एक करोड़ रुपए खर्च करे तो एक करोड़ में से तीस लाख रुपए का उनको सब्सिडी मिलेगी क्या मिलेगी सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से मिलेंगे और मैक्सिमम कितनी मिल सकती है पचास लाख अधिकतम ये राशि कितनी हो सकती है पचास लाख अब आपने कितना खर्चा लगाया हो पचास लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा याद रखिएगा यदि हम पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करें तो पोल्ट्री के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है विश्व मुर्गी पालन में हम सत्रहवें नंबर पर है जबकि पोल्ट्री मांस में नौवे और अंडे में हम लोग पांचवें नंबर पर है वर्ल्ड में भारत अंडे में पांचवें नंबर पर है जो हमारे यहां पर एग्स का प्रोडक्शन होता है पोल्ट्री के मास में नौवे नंबर पर है पोल्ट्री पालन हमारे यहां पर जो मुर्गे पलते हैं सत्रहवें पर है और पहले नंबर पर कौन सा है अमेरिका मास में जबकि अंडे में सबसे ज्यादा चाइना 42 परसेंट वर्ल्ड का जो अंडा है वो चीन में होता है कहां पर होता है चीन में आपको याद है कि इकतीस अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पार्टीशन कर दिया गया एक उसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई और एक उसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई श्रीनगर मई से अक्टूबर इनकी कैपिटल होती है और नवंबर से अप्रैल जम्मू इनकी कैपिटल होती है बीस जिले हैं एक विधानसभा की सीट चार राज्यसभा पांच लोकसभा गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले उपराज्यपाल बने जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल बने एक चीज जरूर याद कीजिएगा कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है जबकि यहाँ पर लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा का कॉन्सेप्ट है 114 सीट हालांकि अभी ये स्थगित चल रही है इसके लिए चुनाव होने राज्यसभा की चार सीट पांच लोकसभा की इसको हमेशा याद रखिएगा ये बहुत बार पूछ लिया जाता है इकतीस अक्टूबर दो से ये देख रहे हो ये पूरा ये ये हिस्सा हमारा अफगानिस्तान से भी लगा हुआ है इधर ये चाइना आ जाता है इधर ये पाकिस्तान आ जाता है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी और इधर क्या आ जाता है पूरा का पूरा कुपवाड़ा मुजफ्फराबाद ये वो हिस्से जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है तो देख रहे कुपवाड़ा में कई बार आतंकवादी हमले होते रहते हैं बारामूला पुंछ आदि में तो ये वही है राजौरी जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर डोडा किश्तवाड़ अनंतनाग पुलवामा गंदेरवाल बांदीपुर ये श्रीनगर आ जाता है जबकि ये क्या है यहाँ पर ये जम्मू है ये क्या है बच्चा जम्मू नीचे हिमाचल प्रदेश आ जाता है लोकनृत्य रउफ कई बार आपको पता है कि क्वेश्चन आ चुका है रउफ किस राज्य का नृत्य जम्मू कश्मीर का ही कट मंडस कुद दांडी दमाली नृत्य राउफ नृत्य मंडजस नृत्य उसके बाद में एक आप कहा जाता है कुद डांडी नृत्य दमाली नृत्य कुद डांडी नृत्य दमाली नृत्य रउफ हीकट मंडजस कूद डांडी नाच और दमाली दा डांस दमादम मस्त कलंदर फेस्टिवल की बात करें तो हेमिस फेस्टिवल हेमिस उत्सव जम्मू कश्मीर का फेमस है ट्यूली फेस्टिवल शिकारा महोत्सव गुरेज फेस्टिवल शिकारा महोत्सव और गुरेज फेस्टिवल ये भी यहाँ का एक प्रमुख फेस्टिवल है हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार को नियुक्त किया गया है किसको हृदय कुमार को हाल ही में सरकारी कर्मचारियों सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी को ट्रैक कर पाए तो इन्होंने मेरा वतन नाम की एक ऐप भी लॉन्च की है जम्मू कश्मीर राज्यपाल ने मेरा वेतन वतन नहीं मेरा वेतन सैलरी को ट्रैक करने के लिए मेरा वेतन वर्जन एक नाम की संस्करण एक नाम की ऐप भी लॉन्च की है आगे आ जाते हैं एक डिफेंस थिंक टैंक रक्षा संबंधों के ऊपर एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो इसके एक ईयरबुक आती है हर साल पूरे दुनिया में किस देश में डिफेंस के मामले में क्या चल रहा है तो इसकी एक ईयरबुक आती है जो इसकी 2020 की ईयर की ईयरबुक है इसके अनुसार चीन और पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार है चीन और पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार है लगभग चीन के पास 320 और ये जनवरी तक के आंकड़े हैं और चीन के पास 320 पाकिस्तान के पास 160 के करीब और हमारे पास 150 के करीब हथियार है परमाणु हथियारों की बात करें कितने बेटा 150 सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर 2019 भी देखोगे तब भी यही क्रम था पहले चीन दूसरा पाकिस्तान तीसरे नंबर पर हम लोग थे उस समय दो सौ नब्बे थे अब इसके पास तीस और बढ़ गए तो चाइना के पास तीन सौ बीस हो गए इसके पास एक सौ तीस चालीस थे अब बढ़ के कितने हो गए एक सौ साठ के करीब हो गए और हमारे पास कितने एक सौ चालीस जो बढ़ के एक सौ पचास हो गए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनकी साइज और विविधता को बढ़ा रहे साइज ऐसे कि नए परमाणु हथियार और विविधता ऐसे कि जैसे हम जल जल पानी से भी परमाणु बम अपना जो सबमरीन आदि होते हैं वहां से लॉन्च कर सकते हैं हवाई जहाज के जरिए भी फाइटर प्लेन से भी परमाणु बम और अग्नि आदि अपनी मिसाइल के द्वारा भी हम लोग परमाणु हथियार दूसरे देशों में फेंक सकते हैं तो इस प्रकार की विविधता को बढ़ा रहे याद रखिएगा दुनिया में नौ परमाणु हथियार संपन्न देश हैं न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं अमेरिका रूस यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स रसिया यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग इंग्लैंड भी कह देते हैं हालांकि उसमें चार देश आते हैं ब्रिटेन भी कह देते हैं फ्रांस चीन इंडिया भारत पाकिस्तान इजराइल और नॉर्थ कोरिया इसराइल और नॉर्थ कोरिया तो पांच तो इनमें वीटो पावर वाले देश ही पांच तो उसके अलावा भारत पाकिस्तान इजराइल और नॉर्थ कोरिया तो पांच और चार कितने हो गए? नौ लगभग इन नौ देशों में जनवरी 2020 के एस्टीमेट के हिसाब से 13,400 न्यूक्लियर वेपन है जो इस पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए काफी है तेरह हजार सौ न्यूक्लियर वेपन अभी है जिनमें से अमेरिका और रूस चीन आदि के पास तो हजारों की संख्या में होते हैं। तो याद रखिएगा सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी अभी किसकी कुछ समय पहले और रिपोर्ट आई थी तो याद रखना पहले नंबर पर अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है दूसरे नंबर पर चीन खर्च करता है और तीसरी रैंक हमारी थी जो डिफेंस का बजट होता है तो हम तीसरे नंबर थे तीसरा सबसे बड़ा सैन्य ऋणदाता आप ये कह सकते हैं मिलिट्री स्पेंडर और टॉप थ्री में पहली बार ऐसा हुआ कि दो एशियाई देश आए दो एशियाई देश आए चलिए आगे आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस की यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कंपनी है टीपीजी प्राइवेटी प्राइवेट इक्विटी फर्म है टीपीजी और एल कैटरटन इन दोनों ने रिलायंस जियो में एक पॉइंट तीन दो परसेंट की हिस्सेदारी ली है एक पॉइंट तीन दो परसेंट की क्या ली है छः हजार चार सौ पॉइंट तीन करोड़ रुपए में एक पॉइंट तीन दो परसेंट की हिस्सेदारी लिए टीपीजी और एल कैटरटन ये अमेरिका की कंपनी है तो लगभग अब दस इन्वेस्टर प्राइवेट इन्वेस्टर रिलायंस में निवेश कर चुके हैं नौवा तो टीपीजी और दसवां एल कैटरटन एक पॉइंट तीन दो 441.3 करोड़ रुपए में टीपीजी के पास 0.93 आई है जबकि एल कैटरटन के, के पास ये अठारह के करीब करोड़ रुपए तो लगभग ओवरऑल मिला के एक पॉइंट तीन दो परसेंट को छह हजार चार सौ इकतालीस पॉइंट तीन करोड़ रुपए में बेचा है जी ने जीरो पॉइंट नौ तीन परसेंट और एल कैटर ने जीरो पॉइंट तीन नौ परसेंट की हिस्सेदारी तो लगभग अभी तक जियो पहले तो जियो का था कि इक्कीस परसेंट हिस्सेदारी बेचेंगे लेकिन जब पैसा आने लगा बाहर से तो इन्होंने आठ परसेंट हिस्सेदारी बेचकर लगभग लॉकडाउन के समय पर भी जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है तो एक लाख चार हजार तीन सौ छब्बीस पॉइंट करोड़ का निवेश हासिल किया है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का मतलब जिनका विश्वास जीता है जियो जी ने एक लाख चार हजार तीन सौ छब्बीस पॉइंट नौ पांच करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो छह पांच भी नहीं नौ पांच और इसमें पूरा आपको दिखाया जा रहा है कैसे कैसे सबसे पहले नौ पॉइंट नौ नौ परसेंट की हिस्सेदारी किसकी थी तैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ रुपए में फेसबुक ने फिर एक पॉइंट एक पांच सिल्वर लेक फिर दो पॉइंट तीन दो परसेंट विस्टा एक पॉइंट तीन चार परसेंट जनरल अटलांटिक दो पॉइंट तीन दो परसेंट के के आर एक पॉइंट आठ पांच मुबाडाला उसके बाद में सिल्वर लेक ने अपनी परसेंटेज और बढ़ा ली फिर अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फिर टीपीजी और एल कैटरटन तो कुल मिला के एक लाख चार हजार तीन सौ छब्बीस पॉइंट आठ मई उन्नीस सौ तिहत्तर धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी की नींव रखी महाराष्ट्र से उन्नीस सौ तिहत्तर में फिर बाद में दो भाई थे इनके दो बेटे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों में बंटवारा हो गया अनिल अंबानी डूब गए बैंकों का पैसा खा गए और मुकेश अंबानी अपने ऊपर जो कर्ज है रिलायंस के ऊपर उस कर्ज को 2020 में उतारना चाहते इसलिए ये अपने शेयर बेचते जा रहे जिससे कितना पैसा आ जाए कि कर्ज को उतारा जा सके टीपीजी कैलिफोर्निया की कंपनी है जेम्स काउल्टर और जॉन विंकरलिड ये इसके को सीईओ हैं किसी कंपनी में दो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं उन्नीस सौ में, में स्थापना जबकि एल कैटरटन उन्नीस ये कनेक्टिकट कट शहर है यूएस का वहाँ इसकी है जे माइकल और स्कॉट ए डेंके ये इसके सीईओ है चलिए आगे आ जाते हैं अनमोल नारंग पहली भारतीय महिला सिख भारतीय मूल की पहली महिला सिख बनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी जैसे हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है देहरादून इसी तरह अमेरिका की भी मिलिट्री एकेडमी होती है जैसे हम लोगों का फौज में अफसर बनने का सपना होता है ऐसे अमेरिका में भी यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट करने का सपना होता है वेस्ट पॉइंट नाम का एक शहर है वहां पर यह अकादमी है तो अनमोल नारंग पहली महिला सिख बनी है क्या बनी है? पहली भारतीय मूल की महिला सिख जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है इनके पिता इंडियन आर्मी से थे इनका जो जन्म है वो अमेरिका के जॉर्जिया शहर के रोजवेल में हुआ है जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने पढ़ाई की है एक वर्ष का उसके बाद में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में ये वेस्ट पॉइंट से इन्होंने डिग्री हासिल की है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी राजधानी वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिकन डॉलर इसकी मुद्रा है और डोनाल्ड ट्रंप इसके पैंतालीसवें राष्ट्रपति हैं अभी नवंबर में इसके चुनाव होने छियालीसवें राष्ट्रपति के लिए चुनाव याद रखिएगा दो प्रमुख पार्टी होती हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी जिसके जोए बिडेन जोए बिडेन पूर्व राष्ट्रपति ये भी मैदान में और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं oh yeah. ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉय बिडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी पिछली बार हिलेरी क्लिंटन थी और एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी कौन सी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी उसके डोनाल्ड ट्रंप दोबारा किस्मत अजमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा किस्मत अजमा रहे हैं चलिए बच्चा तो देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स है ये जो ऊपर का वाइट वाला पोर्शन है और नीचे ग्रीन तो ऊपर हो जाता है आपका कनाडा और नीचे क्या हो जाता है ये यूनाइटेड स्टेट्स ये वो पांच महान लेक हैं लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेक ह्यूरोन इरी ऑन्टोरियो तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी अगर आपको वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए आ जाए तो दुनिया की साफ पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर तो आप ये कह सकते हो सुपीरियर एस एच ई ओ शी ओ शी ओ और यहां पे मिशिगन ऑन लगा देना तो सुपीरियर मिशिगन यूरोन इंटोरियो ये आपको देख रहे हो ये कोस्ट रेंजे कोस्टल रेंजेज जा आ जाती है ये आ जाता आपका सियरा नेवेडा नाम की रेंज ये कास्केड माउंटेन ये ब्लू माउंटेन यहां पे रॉकी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत मोंटाना आदि येलो स्टोन नेशनल पार्क माउंट एल्बर्ट ऊटा आदि एरीजोना डेजर्ट यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है आग आदि लगती रहती है डेथ वैली नेशनल पार्क ये सियरा निवेडा हो गया यह कैलिफोर्निया है इधर क्या है कैलिफोर्निया इसका लॉस एंजेलिस एल ए जिसको हॉलीवुड कहा जाता है वो वाला शहर है इसके ऊपर सैन फ्रांसिस्को इसके ऊपर सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को यह रियो ग्रैंड नाम की एक नदी है जो मेक्सिको की ओर जा रही है कोलोराडो नदी है इधर आप देखोगे साउथ डकोटा ये मिसोरी मिसोरी और इधर से आ रही है मिसिस्पी ये दोनों नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदियां मिसोरी मसिस, मिसिस आपकी टेनिसी नदी आ जाती है ये ओयो नदी आ जाती है इधर आपका वॉशिंगटन डीसी, इधर ये न्यूयॉर्क पड़ता है नियाग्रा फॉल्स स्टेचू ऑफ लिबर्टी इधर आ जाता है न्यूयॉर्क इधर आपका देखोगे व्हाइट हाउस आदि है यूनाइटेड स्टेट्स ये साउथ कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना फ्लोरिडा बिल्कुल नीचे जहां पर डिज्नीलैंड है फ्लोरिडा जहां पर डिज्नी वर्ल्ड आदि है कैनेडी स्पेस सेंटर भी है यहीं पर जहां से लॉन्च किए जाते हैं ये टेक्सास ये ओकला आपको याद हो कि एक ब्लैक अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड जिनके उ, एक व्हाइट पुलिस वाले ने उनके गर्दन पर पैर रख के उनकी हत्या कर दी तो जॉर्ज फ्लॉयड इस शहर के हैं मिसोरी ये वाला शहर है ये जो राज्य है मिसोरी इसमें यहां पर इनकी हत्या हुई है यहां पर इनकी हत्या हुई है ठीक है भैया चलिए आगे आ गया जाते हैं बिहार खादी इनको तो आप जानते होंगे सुल्तान सिंह गैंगो वासेपुर पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी को प्रमोट करने के लिए ये उसके ब्रांड अंबेसडर बने बिहार खादी के ब्रांड अंबेसडर बने इनको नवंबर लास्ट ईयर में इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार इन्होंने पटना में भारत के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया था खादी मॉल नहीं होते मॉल जो होते हैं तो पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया था बिहार सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेडर पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी एक बिहार की स्पेशल खादी होती है जिसे हम मधुबनी खादी कहते हैं क्या कहते हैं मधुबनी खादी तो बिहार सरकार इसको पूरी दुनिया में बढ़ावा दिलाना चाहती है देश में तो उसके लिए पंकज त्रिपाठी को ब्रांड अम्बेस नियुक्त किया है याद रखिएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भारत में खादी और ग्रामोद्योग आदि से संबंधित आयोग है उन्नीस में स्थापना हुई थी मुंबई हेडक्वार्टर है विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना इसके चेयर पर्सन है विनय कुमार सक्सेना खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 बिहार की बात करेंगे तो यहां पर द्विसदनीय विधानमंडल होता है पिछहत्तर विधान परिषद की सीट दो विधानसभा की सीट 40 लोकसभा 16 राज्यसभा की सीट फागु चौहान राज्यपाल जबकि सीएम सुशासन प्रिय नीतीश कुमार जी इन सबने मिलकर बिहार का नाश कर दिया पिछहत्तर विधान परिषद की सीट दो विधानसभा की चलिए आगे आ जाते भारत का पहला संक्रामक संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला मतलब एक चलती फिरती ऐसी प्रयोगशाला बनाई गई है जिस पर एलिसा टेस्ट भी हो सकते हैं एलिसा से आप एच आदि की जांच कर सकते हो सार्स वायरस की जांच भी कर सकते हो आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो सकती है तो इनफेक्टियस डिसीज की एक पूरी डायग्नोस्टिक लैब है उसकी जांच पड़ताल करने वाली एक मोबाइल लेबोरेटरी है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है आठ दिनों में इसको बनाया गया और ये बी एस एल टू फैसिलिटी है मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ सुरक्षा है वायरस आदि के जो टेस्ट होते हैं जिस जगह वायरस लीक ना हो जाए वायरस फैल ना जाए तो उस तरह की फैसिलिटी बनानी पड़ती है तो यहाँ पर एलिसा टेस्ट भी हो सकता है आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो सकता है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर भी है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया है बी एस एल टू लेवल की फैसिलिटी है इसमें लगभग 200 तो प्रतिदिन एलिसा टेस्ट किए जा सकते हैं और लगभग 50 प्रतिदिन आर टी पी सी आर टेस्ट किए जा सकते हैं तो कोई ऐसा इलाका है जहां पर मान लेते हैं ज्यादा फैल रहा है क्या फैल रहे मान लेते हैं कि ज्यादा फैल रहा है कहीं पर कोई इंफेक्शन तो वहां पर जल्दी जल्दी टेस्ट करने के मकसद से आप इस गाड़ी को पहुंचा सकते हैं तो याद रखिएगा डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उन्नीस नई दिल्ली रेणु स्वरूप इसकी सचिव है तो इसकी सहायता से यह बनाया गया है आगे जाते जून पंद्रह विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज आप जानते हैं, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी बेटे ने अपने मां बाप को बूढ़े मां बाप को घर से बाहर निकाल दिया बुजुर्ग लोग आप देखोगे दिल्ली में कई मंदिर हैं मथुरा में कई मंदिर हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे बुजुर्ग घरों से बेघर घूमते हुए मिलेंगे तो उन और कुछ घरों में मारपीट होती है अक्सर आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी तो जून पंद्रह बुजुर्गों के प्रति सम्मान और बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और बुजुर्गों की जो दुर्व्यवहार की समस्याएं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है पंद्रह जून इस बार की थीम थी लिफ्टिंग अप इस बार की थीम क्या है लिफ्टिंग अप इस बार की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस समझ रहे मेरी बात पहली बार दो हजार बारह यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में इसको मनाया गया तब से हर साल पंद्रह जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे ये भी पंद्रह जून को मनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल विंड डे ये भी पंद्रह जून को मनाया जाता है विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है पवन ऊर्जा और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आदि को रोकने में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने में पवन ऊर्जा विंड एनर्जी काम कर सकती है इसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है 2007 से यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बाद में 2009 से ग्लोबल वर्ल्ड विंड एनर्जी काउंसिल ने भी यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के साथ करार कर लिया और तब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड विंड डे हो गया 2009 से क्लियर है तो यूरोप में 2007 से और पूरी दुनिया में 2009 से हर वर्ष 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है विश्व पवन दिवस 2005 में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की स्थापना हुई बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है जहां पर नाटो का और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है जहां पर नाटो और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है कहां पर ब्रुसेल्स बेन बैकवेल इसके प्रमुख है आगे आ जाते हैं पटेल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने की एक बायोग्राफी लिखी है दादा भाई नेहरू जी नेरो जी इंडियन नेशनलिज्म या पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बायोग्राफी लिखी है किसने दिनार पटेल या दिनियर पटेल ने किनके ऊपर नेहरू नरोजी के ऊपर दादा भाई नरोजी के ऊपर पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म दिनियर पटेल दादा भाई नरोजी की जीवनी है इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से नरोजी ने विलियम ग्लेडस्टोन और लॉर्ड रिपन की मदद से इन्होंने ये दादा भाई नेहरू जी ऐसे व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी बने जो अमेरिका की संसद है वहां के सदस्य भी बने थे तो दिनियर पटेल ने किताब लिखी है नेक्स्ट आ जाता है न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मेट पुवर तो पूछेगा मेट पुवर तो मेट पर बॉलिंग होती है तो 90 साल की उम्र में मेट पुवर का निधन हो गया न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर है नब्बे वर्ष की आयु में नब्बे वर्ष की आयु मेट पुअर न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका उन्नीस इनका पहला मैच था तीन साल ये क्रिकेट खेले हैं उन्नीस से उन्नीस के बीच में न्यूजीलैंड की बात करें तो हाल ही में न्यूज़ एक बड़ा देश बनाए जिसने अपने आपको कोविड 19 फ्री घोषित किया है राजधानी वेलिंगटन इसकी जो सबसे बड़ा शहर है वो ऑकलैंड है वेलिंगटन इसकी राजधानी है याद कीजिएगा सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन चलिए तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन कुछ रिवाइज कर लेते हैं वर्ल्ड एनवर्मेंट डे पर जो अर्बन फॉरेस्ट होते हैं शहरी वनों को विकसित करने के लिए 200 शहरी वन विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई उसका नाम क्या है तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है नगर वन नगर वन नाम की भारत सरकार के की एक योजना है जिसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना चाहती है सरकार वुमेन फुटबॉल एशिया कप दो किस देश में होगा वुमेन फुटबॉल महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 बच्चा भारत में होगा 2022 में जी ट्वेंटी भी उस साल भी वर्षगांठ भी आजादी की डब्ल्यू में हाल ही में भारत के राजदूत किसको नियुक्त किया गया है तो ब्रजेंद्र नवनीत यह कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस वो है जैसे टी एस तिरुमूर्ति तो टी एस तिरुमूर्ति साहब ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति इसी तरह ब्रिजेंद्र नवनीत ये विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत होंगे डब्ल्यू आगे आ जाते हैं हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटीज Forbes की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में भारत से किसने टॉप किया है तो बावन रैंक आई है ग्लोबल भारत से अक्षय कुमार, कुमार किस यूनियन टेरिटरी और स्टेट ने मेरा वतन सैलरी उसके सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती रही मेरा वेतन नाम की एक एप लॉन्च किया मेरा वेतन किसने जम्मू कश्मीर ने नेम पर्सन जिनको ई वाई एंड यंग एक कंपनी होती है वर्ल्ड दो हजार बीस वर्ल्ड आंतरप्रेन्योर दो के रूप में नामित किया गया है किरण मजूमदार शो बायोकॉन कंपनी की एमडी किरण मजूमदार शॉ कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने कोविड नाइनटीन भारतीय कंपनी है जिसने कोविड नाइनटीन की वैक्सीन की टेस्टिंग स्टार्ट की है पौधों पर और ये पौधों पर आधारित वैक्सीन है अर्थात जो प्लांट से मिलती है एक तो होती है केमिकल से बनते एक प्लांट से कुछ जो बनती है तो सन फार्मा नाम की कंपनी है जो एक प्लांट बेस्ड वैक्सीन कोविड नाइनटीन पर काम कर रही है आगे आ गया जाते किस राज्य ने एक पौधा रोपण पहल शुरू की है वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है थैंक मोम थैंक्स मोम नाम से तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में थैंक्स मोम नाम का एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है नौवा क्वेश्चन आ जाता है इंडिया का पहला फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तो आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने राज्य कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज जो राजस्थान में मजदूर हैं वहां के बेरोजगार युवक हैं उनके लिए एक राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार नाम का एक एक्सचेंज शुरू किया तो राज का मतलब राजस्थान राज का मतलब राजस्थान याद रखिएगा हाल ही में किन आठ देशों ने चीन को काउंटर करने के लिए एक ग्लोबल गठबंधन बनाया है ग्लोबल गठबंधन तो याद रखिएगा चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका जर्मनी इंग्लैंड यूके जापान ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्वीडन और नॉर्वे इन देशों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन किया है चीन का मुकाबला करने के लिए आगे आ जाते हैं मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने की जो एज ऑफ मदरहुड कितनी हो जो मदर मोर्टिलिटी रेट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कि जब बच्चे का जन्म होता है तो मां की मृत्यु हो जाती है उस रेट को कैसे कम किया जा सकता है गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में कैसे सुधार किया जा सकता है इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस टास्क फोर्स की प्रमुख कौन है तो याद रखिएगा सुश्री जया जेटली इस टास्क फोर्स की प्रमुख है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तो जावेद अख्तर पहले भारतीय बने कोरोना ट्रेसर बीडी ये बीडी मत समझ लेना पीने वाली कोरोना ट्रेसर बीडी बीडी मतलब बांग्लादेश ये ऐप किसने लॉन्च किया जैसे हमारी आरोग्य सेतु तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने ऐप शुरू किया है किसने शुरू किए है बांग्लादेश ने आगे आ जाता है भारत के किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो बड़े राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर आया है यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ पहले नंबर पर आया है और छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर आपका गुजरात बड़े राज्यों में छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी के मामले में पहले नंबर पर चंडीगढ़ आया है क्या आया है चंडीगढ़ इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन थे जो समाप्त हो गए अब कुछ आप लोग रिवीजन कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप लोग पूरी जानकारी दीजिए क्या क्या आपको याद है त्रिपुरा के बारे में भी पूरी जानकारी त्रिपुरा के बारे में बिहार के बारे में लोकसभा राज्यसभा पंजाब के बारे में लोकसभा राज्यसभा सब कुछ पंजाब के बारे में भी चलिए बेटा ये तो राज्य आगे आ जाते मेरा वेतन ऐप किस राज्य सरकार की ऐप है आगे आ जाता है आपका वर्ल्ड फूड प्राइज वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार पुरस्कार यह किसको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार यह किसको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार यह किसको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज नेक्स्ट आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक मछली खोजी गई है नई मछली प्रजाति तो उसका नाम बताना है उसका नाम क्या रखा गया है इसी तरह तमिलनाडु में भी एक नई मछली खोजी गई थी फ्रेश वॉटर मीठे पानी की मछली उसका नाम भी आपको बताना है आगे आ जाते हैं पोल्ट्री पॉलिसी स्टार्ट करने वाला पोल्ट्री नीति 2020 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया वर्ल्ड विंड डे पवन दिवस कब मनाया जाता है बुजुर्गों के वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज डे एल्डर अब्यूज दिवस यह कब मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज दिवस इसकी थीम क्या है यह हो गया वर्ल्ड फूड प्राइज हो गया उसके बाद में आ जाता है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के वाई आई सी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब गठन हुआ कौन इसके चेयरपर्सन है कहा इसका हेडक्वार्टर है कहा इसका हेडक्वार्टर है फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर वन पर कौन है और भारत से फिफ्टी टू में नंबर पर कौन है फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर वन पर कौन है और इसी लिस्ट में पहले नंबर की महिला कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा कमाई है पहले नंबर की महिला पहले नंबर पर पुरुष महिला भी बतानी है और भारत से बावनवे नंबर पर कौन है त्रिपुरा हो गई मेरा वतन हो गया आगे आ जाता है टाइम्स स्क्वायर वर्ल्ड का एक फेमस स्थल है टाइम्स स्क्वायर आगे बताना है पोपीर डांस यह किस राज्य का दमाली डांस यह किस राज्य का नृत्य है दमाली डांस यह किस राज्य का नृत्य है दमाली डांस यह किस राज्य का झील के बीच में नीर महल पैलेस ये आपको किस राज्य में मिलेगा नीर महल पैलेस ये आपको किस राज्य में मिलेगा नीर महल पैलेस तो ये बाबू कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आज के करंट अफेयर की क्लास से हैं देखिए जो क्वेश्चन हैं रेड रोज वगैरह ये सब छोटी से छोटी खबर भी कुछ होती है तो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है क्योंकि ये सब एग्जामिनर की भी नजर में रहते हैं चाहे किसी ने कोई अवार्ड जीता हो रिचर्ड ऑकिन फूड प्राइज हो तो जो करंट अफेयर है अगर उसके आप क्वेश्चन वाइज देखोगे तो आपके पास बहुत अच्छे से पहुंच रहे हैं अब आप इसका भरपूर फायदा उठाइए आप खुद बताइए कि आपको इतने सारे करंट अफेयर और अलग अलग जो आप, मतलब आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं आपको इसके आधे भी नहीं मिलेंगे कवर हुए हुए तो आप लोग क्या है कि इनका जरूर ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर किया कीजिए जिसने भी तक एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए और आपके अभिनंदन सा भी हो सकता है कल से क्लास लेने लगे थोड़ी तबियत में सुधार है ज्यादातर लोग थोड़े ठीक हो गए मैंने कहा कि एक दो दिन और रेस्ट ले लीजिए दोबारा बीमार ना पड़े एक बार अच्छे हो जाए तो फिर आपकी क्लास कंटिन्यू करें हम भी समझ रहे हैं थोड़ा सा परेशान है ज्यादातर लोग बट चलिए ईश्वर की दया है कि हम सब लोग बिल्कुल सेफ हैं और अच्छे से बिल्कुल एकदम नया प्लान बना के स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को पढ़ाई को कि आपकी पढ़ाई पे कोई असर ना आए तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना सभी लोग एग्जाम पर दिल से सपोर्ट कीजिए और बच्चा जिसने भी एग्जाम पर ऑफिशियल एग डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करके आप लोग जरूर कोर्स तो सभी लोग लीजिए फाइनेंशियली हमें हेल्प मिलती है हम लोग काम कर पाते हैं ठीक है चलिए फिर ख्याल रखिएगा थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर